आप सभी को नमस्कार, वेलकम है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्लिप एकेडमी पे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, हम कंटिन्यू आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के, क्लास 10, क्लास 9 एंड ऑल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ऑफ जेईई सीयूई यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो आपके यूपी में हो रहे हैं, उनके अभी होने वाले हैं, उनके सॉल्यूशंस और सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अभी लास्ट टू डेज से हमने टर्नामेंटल एक्सरसाइज रह गया था हमारा 1.4, और हमने इसलिए भी छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वेरी आज जा रही थी ऑफलाइन और ऑनलाइन, कुछ ऐसे स्टूडेंट की सर इसके भी कुछ क्वेश्चन अपलोड करिए या प्रॉब्लम्स बताइए कैसे होते हैं। तो फिलहाल आज हम कर रहे हैं, तो हमने बीच में पॉलिटिक का किया, फिलहाल आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.5 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। और लास्ट टाइम क्लास 3 थी, पार्ट 3 तक करा था, आज पार्ट 4 है। इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स करेंगे, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री के एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड हाउ वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं, अगर मैं आपसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो मेन रूप से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगे। जैसे पहला, फर्स्ट होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मेन ये होता है। अब इससे आप कन्वर्ट करके 3-4 और आइडेंटिटीज कन्वर्जेंस या रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको एक और फार्मूला याद होना करना पड़ेगा एल्जेब्रिक का, जो कि यहां बहुत यूज होने वाला है, m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b सेकंड ब्रैकेट a माइनस b। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करूं तो आपको यहां पर और भी फार्मूले और इसका इस्तेमाल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम करते हैं फिलहाल अभी कि कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप cos को साइड ले जाइए तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा 1 और ये साइड आके क्या हो गया माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अगर मैं 1 का स्क्वायर लेता हूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर मींस a प्लस b हो जाएगा और a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका एक और रिजल्ट दे सकते हैं 1 प्लस cos थीटा और सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये रिजल्ट और आ गया। अगेन सिमिलरली अगर आप ये नोटिस करें कि हमने अभी कॉस को ट्रांसफर कर दिया है दूसरी साइड आरएचएस में, अगर मैं साइन को करता तो क्या होता, अगर आप साइन को करते तो आप ये देखते रिजल्ट कुछ ऐसा होता। इस साइड ले जाइए, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो अगेन आपका आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो बेसिकली एक था, आपने इनसे कितने निकाल दिए, 3 कैलकुलेट कर। ओके, अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा वाला कहता है प्रॉपर्टी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेन है, जब भी आपसे कोई कहता है इफ एनीबडी आस्किंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यू कैन टेल ओनली दिस, ये तो कन्वर्जन है, आपको क्वेश्चंस में यूज होंगे तो हम आपको बता सकते हैं, हो सकता है क्रॉस में आपसे पूछ भी सकते हैं। तो यहां से देखिए, अब आप जब कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, आप टेन को साइड ले जाइए तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और आपका ये जो टेन है वो साइड जाके क्या होगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से नोटिस करना, ये फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a के लिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बेस a है तो यहां a आया, बेस b है तो यहां भी, तो बेस यहां sec है तो आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और सेकंड ब्रैकेट होगा sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर, अब और एक तो ये बन गया, अगला देखिए क्या होगा। अगला अगर आप जो है 1 को उस साइड ले जाते तो क्या होता है, यहां होता फिर आरएचएस में tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप 1 को ले जा रहे हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अकॉर्डिंग आपका अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 स्क्वायर इज 1। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट इज sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1। ओके, इसमें और भी कन्वर्जेंस बन सकते हैं,
देखिए कैसे, फिर से ये अगर आप इसको इस साइड लाए, ध्यान सुनना, तो देखो 1 plus tan square theta इसको इस साइड ला रहे हैं, माइनस sec square theta, और अब आप 1 को साइड ले जाओ तो माइनस 1 हो जाता कि नहीं, क्लियर। तो यहां से फॉर्मूला और बन गया, क्या बना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, tan theta माइनस sec theta और tan theta plus sec theta is equal to minus 1, यानी आपको ये आपको स्टार्ट बना लेना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जरा देखो, नोटिस करो जरा, जब यहां sec पहले था और माइनस 1 था तब ये tan स्क्वायर था, ठीक है, और यहां देखो sec पहले है tan प्लस में है, sec पहले है tan माइनस में, यहां क्या है tan पॉजिटिव है और sec माइनस है तब इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। इन दोनों में जरा आप कंपेयर करके देख लेना, यहां sec थीटा प्लस और sec थीटा माइनस, यहां sec थीटा माइनस है और यहां tan थीटा माइनस है, तो यहां इक्वल 1 है, जबकि यहां तो क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से नोटिस करना। सिमिलरली आपकी थर्ड जो आपके मेन आइडेंटिटी है 1 plus cot square theta is equal to cos square theta, ये मेन है। अब इसके बाद यहां भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, एक पार्ट में कर देता हूं। देखिए अगर आप cot square theta आप इसको साइड ले जाइए तो अगेन आपका cos square theta माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट cos theta माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट cos theta प्लस 1। सिमिलरली और आपके लिए करते हैं, आपके लिए कि आप करना ये दो पार्ट और कन्वर्जन कर सकते हैं, ओके। चलो इतने सारे यूज होंगे, अब हम आपसे बात करते हैं, एक और यूज होगा जो मैं आपको अलग से यूज होगा वो मैं बता देता हूँ। साइन थीटा पहले भी बताया है, अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल होता है टेन, ठीक है, अगर पावर टू लेंगे पावर टू आएगा, और बाकी रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस इक्वल सेक और 1 अपॉन साइन इक्वल कॉसेक, ये आपको पहले से रिलेशन पता है, ये होते रहेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8.5। तो चलो देखो, ये ओल्ड बुक की अकॉर्डिंग है, ओल्ड बुक लास्ट ईयर बुक में है, लास्ट ईयर बुक के अकॉर्डिंग, क्लियर। न्यू ईयर की बुक में भी क्वेश्चंस हैं, बट वो एक्सरसाइज चेंज हो सकती है, एक एक्सरसाइज रिमूव कर दिया है, तो आई थिंक उसमें 8.4 होगा, क्लियर। अब आइए, कह रहा 9 sec² a - 9 tan² है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक भी रेशियो नहीं दे रहा, ना साइन कॉस नहीं दे रहा, यानी सिंगल एक नंबर है। तो जरा आप नोटिस करो क्या करें, अगर मैं 9 यहां पे कॉमन लेता हूं तो इनसाइड ब्रैकेट क्या होगा, sec² a - tan² a। Now, see the identities. Look, identities. Which identities will vary? Will match sec square minus tan square to tan or sec yahan hai, sec square minus tan square is equal to kya? 1. तो यानी अगर आपको trigonometry याद करना है तो बहुत बेस्ट है कि आप पहले concept और जिनके relation, identities, reciprocal relation को properly learn कर लीजिए. Then your will mind running after when you solving questions. Okay? रनिंग मीन्स ये है कि तब आपका माइंड काम करेगा, कौन से रिलेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्टली माय कंसर्न इज दैट यू शुड लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड आल्सो वैल्यूज रेसिप्रोकल रिलेशन, देन वी कैन सॉल्व इजली एंड बेटर होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर वैल्यू आ गई 1 into 9, फाइनली आपका आंसर क्या आया, 9, क्लियर हो गया। अगे देखिए 1 plus tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta, तो चलो आज देखो 1, तो 1 upon 1 लिख सकते हैं आप इसे, 1 upon 1 plus tan को मैंने कहा कि आप लिख सकते हैं sin upon cos, tan का reciprocal भी होता है, ठीक है, sin upon cos, और पहले से देखिए cos cosec को लिख सकते हैं 1 upon cos, शायद मैंने वहां लिखा नहीं लेकिन लास्ट क्लास में आपको बताया था ये है, इसे उल्टा कर दो, अगर sec equal 1 upon cos है तो अगर यहां cos लोगे तो sec यहां आ जाएगा, क्लियर। और यहां आ गया sin bracket 1 upon 1 plus cot, अगर tan है sin upon cos तो cot इसका उल्टा होता है, cot हो जाएगा cos upon sin,
और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा और कॉसेक का लिखेंगे 1/sin, ठीक है। जस्ट देखो कॉसेक 1/sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गया। अब आप यहां एलसीएम लीजिए, देखिए कॉस 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 तो कॉस है, 1 से डिवाइड कॉस आएगा, कॉस बन जाएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस डिवाइड 1, 1 का साइन में तो साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल 1 बन जा 1, यहां लिखिए एलसीएम साइन थीटा, 1 से डिवाइड साइन, साइन बन जा साइन थीटा, प्लस साइन से साइन डिवाइड 1, 1 का कॉस में कॉस थीटा और साइन से साइन 1। अगर अब आप नोटिस करें तो यहां पे एक चीज नोटिस करने को मिलेगा और वो क्या है जरा देखिएगा, अगर आप इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं इतने हिस्से को, ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा b। आप नोटिस करो a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b की कॉमन बात क्या है, a a इक्वल होगा और b b इक्वल होगा, साइन डिफरेंट होंगे। चेक कर लीजिए, a वाली वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा मैच हो रहा है, b की वैल्यू भी मैच हो रही है, बस साइन प्लस माइनस है, क्लियर हो गया। यहां अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में क्या आया हो रहा है, a स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b क्या है देखिए, a प्लस b और a माइनस b होगा, इसके इक्वल टू लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a इज cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए जरा cos और sin को मल्टीप्लाई cos थीटा sin थीटा। अब आप देखो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करिए, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और यहां 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, और यहां है cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई sin। अब आप अगेन आइडेंटिटीज चेक करें, फर्स्ट आइडेंटिटीज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां नोटिस करें आप, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगा ये प्लस 1 होगा और ये माइनस 1 होगा, तो ये वैल्यू फुल कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पोर्शन है वो 2 sin थीटा cos थीटा और डिवाइड में cos थीटा sin थीटा। नाउ दीज आर मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, फाइनली आपका जो आंसर आया वो क्या आया जी दोस्तों, 2 आया, क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, अब यहां थीटा ना चलकर ए चल रहा है, हम क्या लिखेंगे इसको 1/cos, और tan को अभी आपको मैंने बताया कि sin/cos, तो यहां cos a चल रहा है एंगल की वैल्यू, तो sin a/cos। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर हम यही क्यों चिंतन कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम यही क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत और भी चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे tan को आप ले सकते थे 1/cos, लेकिन हमें उस अकॉर्डिंग चेंज करना होता है जो आपको प्रूफ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन करने पड़ेंगे जिससे हमको हमें वो रिजल्ट मिल जाए जो हमें प्रूफ करना है। यहां पर हम उसी अकॉर्डिंग चेंज करें, cos और cos सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दो, तो sin और 1 ऐड होगी 1+sin और डिनोमिनेटर में क्या होगा। अब आप नोटिस करो इसके यहां पर ऑलरेडी पहले से क्या था, 1-sin है, 1+sin है एंड 1-sin है, यू कैन सी द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, 1+sin थीटा 1-sin थीटा डायरेक्टली लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो यहां न्यूमरेटर सेक्शन में क्या आ गया डायरेक्टली cos स्क्वायर a और नीचे क्या है cos, यहां cos 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 1 कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा आपका cos a will be the answer, correct answer of part 3, clear, similar, okay, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, हम कर रहे हैं आगे नेक्स्ट 4 पार्ट। 1+tan² सी द आइडेंटिटी सेकंड, 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा मींस 1+tan² थीटा इक्वल डायरेक्ट आप ले सकते हैं sec² a, एंड नाउ यू सी द थर्ड आइडेंटिटी इज 1+cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा मींस यू कैन राइट द cos² a, नाउ cosec² सॉरी cosec² ना sec स्क्वायर को लिखते हैं 1/cos थीटा, लेकिन आपको बता दूं अगर आप यहां स्क्वायर लेते हैं तो यहां भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, आप यहां क्यूब लेते हैं यहां भी क्यूब लेंगे, तो यहां हो जाएगा 1/cos² a
इसी तरह यहां होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब आप नोटिस करो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर बन जाए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अपॉन बन जाए कॉस स्क्वायर। अब मैं बताता हूं साइन अपॉन कॉस होता है टेन, अगर आप यहां पावर 2 लेंगे तो यहां भी टेन स्क्वायर आएगा, अगर आप पावर यहां 3 दोनों में 3 लेंगे तो यहां भी 3 आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर विल बी टेन स्क्वायर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से आसानी से आप जो है इनके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं एक पार्ट और, ठीक है? चलो नोट इट डाउन, हम क्वेश्चन 5 करेंगे और क्वेश्चन 5 का करते हैं पार्ट नंबर 1। ओके, क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 1। चलिए क्वेश्चन 5 कह रहा है आपसे, पहला कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू हुक्का होल स्क्वायर 1 माइनस cos theta upon 1 plus cos theta। Now आपको दो साइड दे रखी हैं प्रूफ करना है, अब तक तो हमें ऑप्शंस मैच कराने थे, अब कह रहा है कि प्रूफ करिए, तो प्रूफ करने में आप या तो LHS सॉल्व कर लीजिए या तो RHS सॉल्व कर लीजिए, कोई एक साइड सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन ये काफी बड़ा साइड है तो हम इसे रेशनलाइज ना करके हम ये वाला RHS पार्ट लेंगे, LHS पार्ट लेंगे, तो LHS। Now LHS क्या है? cosec theta minus cot theta का होल स्क्वायर, तो नाउ कॉसेक को लिख सकते हैं, अभी बताया 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को लिखेंगे, अभी बताया था आपको कॉट टेन है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, और आपका ये इनसाइड ब्रैकेट रहने दीजिए, अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर मत ओपन करिए। ओके, साइन और साइन दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, तो एलसीएम जब लेंगे भी तो इनका आ जाएगा साइन थीटा, और न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस और माइनस हो जाता है, कर दिया। जब आप ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर इसका भी और इसका भी, अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, तो जरा आप नोटिस करो साइन स्क्वायर थीटा को फॉर्मेलिटी इज 1 प्लस सेकंड स्टेप देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो देखिए इसे लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, बट अगर ये पावर 2 है तो पावर 2 का मतलब हुआ कि 1 माइनस कॉस थीटा को 2 टाइम्स लिख सकते हैं एक्सपोनेंट पावर रूल में, क्योंकि वो 2 टाइम्स है, अब यहां से माइनस माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर पार्ट क्या बच रहा है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, अब डिनोमिनेटर पार्ट क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो आसानी से आप आपका चेक कर लीजिए, ये आप एलएचएस लेके सॉल्व कर रहे थे लेकिन ये वैल्यू मैच हो गई आरएचएस से, इसका मतलब आपका हिंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, बहुत मेहनत करते रहिए।